आपका एक नए वीडियो में जिसमें बात करने वाले हैं एयरफोर्स भर्ती 2022। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, अग्निवीर के थ्रू आपका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। तो इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस मैं बताने वाला हूं और इसका सिलेबस क्या है, सैलरी क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट क्या है, एग्ज़ाम डेट क्या है, मतलब कि A to Z आपका डाउट यहाँ पर क्लियर होने वाला है। आपका अग्निवीर एयरफोर्स इनटेक, ये इनटेक कौन सा होगा, 01/2022 ये फिर से इनटेक स्टार्ट हो रहा है और अग्निवीर के तहत स्टार्ट हो रहा है। इसका नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका है, नोटिफिकेशन भी मैं आपको सब कुछ दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो पे अंत तक बने रहेगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो आपका अग्निवीर के तहत, आप कमेंट सेक्शन में आस्क कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, वहाँ पे आप मैसेज कर लीजिएगा, 100% आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। 3 दिन से मैं नेट नहीं, मतलब कि हमारे एरिया में नेट वगैरह बंद है, तो इसलिए आपको वीडियो नहीं मिल पाया, बाकी अब कंटिन्यू आपको वीडियो मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास जो भी वेट कर रहे हैं भर्ती का, या फिर जो भी भरना चाहते हैं अगर आप इच्छुक हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं है। तो दोस्तों मेरा नाम है परमजीत और आप देख रहे हैं परमजीत क्लासेस यूट्यूब चैनल। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी अपडेट आए सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो दोस्तों हम आपको लेके आ चुके एयरफोर्स के जो वेबसाइट जो यहाँ पे मिला है हमको, मतलब कि क्या ये है नोटिफिकेशन फुल मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इंडियन एयरफोर्स इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम अनमैरिड मेल, यहाँ पे आपको ध्यान देना है अंडर अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीर वायु इंटेक 01/2022 यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं अग्निवीर वायु इंटेक यहाँ पे भी मिलेगा और 24 जुलाई कितने तारीख से फॉर्म भरा जाएगा, 24 जुलाई से आपका फॉर्म भरा जाने वाला है। कितने तारीख से, 24 जून से आपका फॉर्म भरा जाएगा, 24 जून से आपका फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे जो दिया गया है ये आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आपका ये ज़रूरी नहीं है। ओके, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ से आप डायरेक्ट इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके विजिट कर सकते हैं और मैं आपको देखा दूँ, यहाँ से देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ये देखिए 24 जून से आपका फॉर्म भरा जाएगा, कितने तारीख तक, 5 जुलाई तक आपका फॉर्म भरा जाएगा शाम को 5 बजे तक, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे जो यहाँ पे आपको रखा गया है 10th पास 12th पास होना दोनों ज़रूरी है, या फिर 3 इयर्स का डिप्लोमा चाहिए आपको, या फिर 2 इयर्स का वोकेशनल कोर्स वगैरह चाहिए। उसके बाद इसमें एलिजिबिलिटी की अगर और भी बात कर ले तो यहाँ पे एग्ज़ाम फ़ी की बात करें तो ₹250 आपको एग्ज़ाम फ़ी लगने वाला है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो। ये इसमें कोस्ट गार्ड की तरह, ICG की तरह, मतलब कि ये नहीं है कि OBC से अलग है और आपका जो जो आपका बनता है रिजल्ट भी वो भी सेम बनता है सबका, ये नहीं कि OBC का अलग रिजल्ट, SC का अलग रिजल्ट, ST का अलग रिजल्ट, EWS का अलग रिजल्ट, ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको चाहिए क्या, पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, नॉट टेकन बिफोर अप्रैल से पहले का खींचा हुआ नहीं चाहिए, कैंडिडेट लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन इमेज चाहिए, कैंडिडेट सिग्नेचर, कैंडिडेट पेरेंट्स अगर वो 18 साल से कम है फॉर्म भरते समय, ये सब चाहिए। ₹250 आपका लगने वाला है। उसके बाद अगर आगे बात कर ले, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, ये सब सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन करना है, सब सही भरना है। आधार कार्ड इज ऑनलाइन एप्लीकेशन, आधार कार्ड चाहिए अगर आपको फॉर्म भरने के लिए। उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, अदरवाइज़ ये जम्मू कश्मीर मेघालय वगैरह के लिए है, तो आप ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा, जो भी वहाँ से होंगे बच्चों उनको कुछ मिलेगा। COVID-19 इंस्ट्रक्शन फॉर, ये तो आप लोग बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं तो इसको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब बात कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, अनमैरिड मेल इंडियन सिटीजन के लिए है, सिटीजन ऑफ नेपाल आर ऑल्सो एलिजिबल, जो नेपाल से होंगे वो भी एलिजिबल हैं इसके लिए, तो आप फॉर्म ज़रूर भर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे बात कर ले, फर्स्ट सिलेक्शन टेस्ट फ्रॉम 24 जुलाई, आपका 24 जून को फॉर्म भरा जा रहा है और 24 जुलाई को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। कब, 24 जुलाई को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, तो आपको पास मात्र 1 महीने बचे हैं, 1 मंथ ओनली है आपका एग्ज़ाम कंडक्ट। इसका सब कुछ जो प्रोसेस होगा वो भी मैं बता दूंगा, कब तक ज्वाइनिंग वगैरह होगा सब कुछ डिस्कस कर लेंगे। ये देखते हैं साइंस सब्जेक्ट चाहिए आपके पास, और ये देखते हैं मैथ फिजिक्स इंग्लिश 50% 10+2 में, या फिर आपका 3 ईयर डिप्लोमा वगैरह चाहिए, 2 ईयर वोकेशनल कोर्स चाहिए, इसमें से कोई भी होगा चलेगा, अदर देन साइंस सब्जेक्ट अगर पास एंड 12th पास इन करंट सब्जेक्ट इन एनी सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट से सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से मिनिमम 50% इन एग्रीगेट 50 मार्क्स और इन इंग्लिश, ये भी अगर है किसी भी स्ट्रीम से है और 50% इंग्लिश में है 50% एग्रीगेट है तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं उसी तरह सेम दिया गया है, और ये आप
पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बात कर लें, इसमें ITI वगैरह को भी मिलेगा फॉर्म भरने के लिए, जैसे दिखाया 2 ईयर वोकेशनल कोर्स। जनरल मेडिकल स्टैंडर्ड जो अग्निवीर वायु होंगे उनके लिए हाइट देखिए 152 × 5 सेंटीमीटर, सॉरी 152.5 सेंटीमीटर है। और जो बात कर ले चेस्ट एक्सपेंशन करना है 5 सेंटीमीटर के लिए, और वेट जो प्रोपर टू है हाइट के हिसाब से आपका होना चाहिए। कॉर्नल सर्जरी ये लसीक वगैरह इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, जो लसीक वगैरह सर्जरी होता ना के लिए वो एक्सेप्टेबल नहीं है। उसके बाद हेयरिंग होना चाहिए, देख सकते हैं डेंटल जनरल हेल्थ वगैरह ये आपको यहाँ पे मिलेगा। और उसके बाद अब मैं थोड़ा सा और दिखा दूँ इधर, जस्ट वेट, यहाँ पे ये सब उतना बॉडी टैटू वगैरह के लिए दिया गया है। अग्निवीर वायु टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह दिया है, 4 साल के लिए आपका भर्ती किया जाएगा। ओके, उसके बाद मैं बात कर लूँ ट्रेनिंग आपका जो होगा 6 मंथ का होगा ऑन बेइंग ऑन रोल अग्निवीर वायु, ये देख सकते हैं। और छुट्टी आपको मिलेगा 30 दिन का ऐसे एनुअल छुट्टी, मतलब कि 1 साल में 30 छुट्टी मिलेगा, 4 साल में 3 जो 12 आप जोड़ सकते हैं, 1 साल में 30 छुट्टी हो गया। और आपका जो सिक लीव है वो बेस्ड ऑन मेडिकल एडवाइस, अगर आपका मेडिकल के हिसाब से आपको छुट्टी उसके हिसाब से दिया जाएगा। उसके बाद ये देख सकते हैं मेडिकल एंड CSD फैसिलिटी फॉर द ड्यूरेशन ऑफ देयर एंगेजमेंट, मतलब कि आप जब तक काम कर रहे हैं मतलब कि 4 साल के लिए आपको मेडिकल सुविधा भी मिलेगा। पे अलाउंस एंड एलाइड बेनिफिट अग्निवीर वायु एनरोल अंडर द स्कीम विल बी पेड एन अग्निवीर पैकेज 30,000 पर मंथ इथ फिक्स ईयरली इंक्रीमेंट इन एडिशनल रिस्क अलाउंस इफ एप्लीकेबल। ड्रेस एंड ट्रेवल अलाउंस विल बी पेड, ड्रेस और ट्रेवल अलाउंस भी मिलेगा। टर्मिनल बेनिफिट सेवानिधि के हिसाब से आपको पता है 30% आपका काटा जाएगा, वो आपको नीचे दिया गया है। फर्स्ट ईयर आपको सैलरी जो दिएगा 30,000, उसमें से 9,000 कटेगा और 21,000 आपके हाथ में मिलेगा। सेकेंड ईयर आपको 33,000 दिया जाएगा, आपके हाथ में 23,100 रुपये, 9,900 कट जाएगा। थर्ड ईयर जो बात कर ले 36,500 रुपये आपको मिलेगा, आपको हाथ में आएगा 25,550, 10,950 रुपये कट जाएगा। चौथा साल में 40,000 मिलेगा, 28,000 आपके हाथ में आएगा, 12,000 आपका कट जाएगा। टोटल ये आपका 5 लाख समथिंग होता है और ये 11-12 लाख के आसपास आपको मिलेगा। ओके, 11-12 लाख के आसपास आपका ये सैलरी मिलने वाला है। ओके, और भी कुछ उसमें जुड़ जाएगा और अलाउंस वगैरह, ये देखिए वाई विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू एंड कंट्रीब्यूट एनी प्रोविडेंट फंड ऑफ द गवर्नमेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पढ़ सकते हैं। इंश्योरेंस वगैरह है, अगर आपका डेथ हो जाता है 1 करोड़ आपके हाथ में तो कि आपके घर फैमिली के, अगर आपका डिसेबिलिटी किसी प्रकार का हो जाता है, अपंग वगैरह हो जाते हैं तो आपको 44 लाख मिलेगा, आपका बीमा वगैरह भी इसमें कराया जाएगा। फेज वन देखिए, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस है। फेज वन में ऑनलाइन टेस्ट आपका कंडक्ट कराया जाएगा 24 जुलाई को। उसके बाद अगर उसके बाद फेज टू आपका होगा जी, यहाँ पे देखिए निगेटिव मार्किंग भी है। ओके, तो इसको आपको ध्यान देना है, 0.25 मार्क्स, मतलब कि सारा कुछ सेम पहले वाला ही प्रोसेस है, बस इसको अग्निवीर का नाम दे दिया गया है। कैंडिडेट आर क्वालिफाई इन पेपर्स, ये देख सकते हैं। उसके बाद फेज वन में आप क्वालिफाई करेगा, उसके बाद फेज टू आपको देना होगा। फेज टू में क्या होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट वेट। यहाँ पे आप देख सकते हैं फेज टू में आपको वही सेम प्रोसेस है जो ऐसे पहले होता था, 81 टेस्ट, ये एयरफोर्स की भाषा में हो गया, और 81 टेस्ट आपका बोलेगा, ये आपको बोल सकते हैं जैसे कि GDSRT होता है। तो ये 81 मैं आपको सभी दिखा देता हूँ, ये आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज ये डॉक्यूमेंट वगैरह का दिया गया है। हाँ, मैं आपको 81 टेस्ट और 82 टेस्ट, ये फिजिकल का दिया गया है, 50 टेस्ट दिया गया है, 50 टेस्ट वगैरह भी होगा, पुशअप वगैरह भी कराएगा, 1600 मीटर का रनिंग होगा 6.5 मिनट में, 10 पुशअप और 10 सीटअप और 20 स्क्वाट। स्पोर्ट्स वगैरह आपका खुद का पहन के जाना है। 81 टेस्ट जो मैंने बोला, ऑल द कैंडिडेट पास द फिजिकल फिटनेस टेस्ट, PFT आपका कंडक्ट कराया जाएगा, 81 टेस्ट, और आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा। ओके, 45 क्वेश्चन दिया जाएगा, 30 मिनट आपके पास टाइम होगा, जिसे बोलते हैं क्या SRT क्वेश्चन। उसके बाद आपका जो कराया जाएगा GD का होता है आपका इंटरव्यू। ऑल कैंडिडेट पास एडेप्टिव टेस्ट 1 हैव एडेप्टिव टेस्ट 2 एज पर पॉलिसी इन वर्क। एडेप्टिव टेस्ट इज टू सेलेक्ट कैंडिडेट हु कैन अडेप्ट, आपको यहाँ पे दिया जाता है, पेपर वगैरह ऐसे बैठा दिया जाता है ग्रुप में, 15 या 20 का ग्रुप बनता है आपके सामने, यहाँ पे ऑफिसर होते हैं। ओके, वहाँ पे आपका कराया जाता है जो उसमें पास होता है। उसके बाद मेडिकल के लिए आपको डेट वगैरह मिल जाता है और आपको बुलाया जाता है मेडिकल के लिए।
उसके बाद वो मेडिकल का प्रोसीजर होता है, उसके बाद फाइनल PSL मेरिट लिस्ट, मतलब PSL आता है, इनरोलमेंट आता है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए PSL ये आएगा, देखिए यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ये 5 जुलाई तक है, और आपका जो यहाँ पे प्रोविजनल सिलेक्शन या लिस्ट है 1 दिसंबर को आ जाएगा, और आपका इनरोलमेंट लिस्ट जो है 11 दिसंबर को ही आ जाएगा, और 11 दिसंबर आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा दिसंबर में ही। कब हो जाएगा? दिसंबर में, मतलब कि अभी है आपका जून, दिसंबर में आपका सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा, दिसंबर में बच्चे ज्वाइन भी कर देंगे। मेरे ख्याल से आपके इसके रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट बचा नहीं होगा, और कोई भी डाउट बच गया है तो कमेंट सेक्शन में आस्क कर लीजिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे रखा है वहाँ पर एक बार ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा। 2-4 दिन से मैंने आपका कोई रिप्लाई नहीं किया है, तो धीरे धीरे मैं आज आपको सबको रिप्लाई कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए, ताकि जो भी अपडेट है सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।